ही नमस्कार, मेरा नाम निखिल। बात करने वाले हैं मीडियाटेक के हीलियो P95 के बारे में एंड कंपेयर करेंगे मीडियाटेक के हीलियो P95 को आपके स्नैपड्रैगन 712 के साथ में, ये कौन सा था बेटर चिपसेट है। तो मीडियाटेक का हीलियो P95 जो है मीडियाटेक के हीलियो P90 का सक्सेसर है। दोनों का कंपैरिजन मैंने बना दिया है, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो बात करते हैं लॉन्च डेट की। आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है वो लॉन्च हुआ था 6 फरवरी 2019 में। ऑन दी अदर हैंड आपका जो हीलियो का P95 है वो लॉन्च हुआ था 26 फरवरी 2020 में। जब तक बात करते हैं फैब्रिकेशन की, आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है वो बेस्ड है 10 nm की फैब्रिकेशन पे। ऑन दी अदर हैंड आपका जो हीलियो P95 है वो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पे। तो इस मामले में आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है वो बेटर निकल के आ जाता है। जब तक बात करते हैं यहाँ पर रैम की, आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है यहाँ पर सपोर्ट करता है ड्यूल चैनल LPDDR4X के रैम को विद अ क्लॉक स्पीड ऑफ 1866 MHz। ऑन दी अदर हैंड आपका जो हीलियो का P95 है वो भी यहाँ पर ड्यूल चैनल LPDDR4X के रैम को सपोर्ट करता है विद अ क्लॉक स्पीड ऑफ 1866 MHz। तो रैम के मामले में दोनों ही यहाँ पर इक्वल निकल के आ जाते हैं। जब तक बात करते हैं यहाँ पर स्टोरेज टाइप की, तो यहाँ पर आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है यहाँ पर सपोर्ट करता है EMC 5.1 को। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट किया गया है UFS 2.1 को भी, यहाँ पर दोनों का सपोर्ट आपको मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो हीलियो का P95 है यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है UFS 2.1 का। तो दोनों ही यहाँ पर लगभग इक्वल निकल के आ जाते हैं, बिकॉज दोनों में ही आपको हायर वेरिएंट जो कि है UFS 2.1 उसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जहाँ तक बात करते हैं यहाँ पर कैमरास की, तो आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है यहाँ पर ड्यूल कैमरा 16+16 MP का सपोर्ट करता है एंड सिंगल कैमरा यहाँ पर 192 MP तक जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर आपका जो हीलियो का P95 है यहाँ पर सपोर्ट करता है ड्यूल कैमरा 24+16 MP का एंड सिंगल कैमरा यहाँ पर 64 MP तक जा सकता है। तो कैमरास के मामले में दोनों ही यहाँ पर लगभग इक्वल निकल के आते हैं, बट जहां तक मैं कहूंगा कि आपका स्नैपड्रैगन 712 आपको ज्यादा ऑफर कर रहा है। थिंक अबाउट द वीडियो कैप्चरिंग, तो आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है यहाँ पर कैप्चर कर सकता है 4K की क्वालिटी में 30 fps पे। ऑन दी अदर हैंड आपका जो हीलियो का P95 है वो भी यहाँ पर 4K के रेजोल्यूशन में 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकता है। दोनों यहाँ पर भी इक्वल निकल के आ जाते हैं। थिंक अबाउट डिस्प्ले कॉम्पेटिबिलिटी की, तो आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है यहाँ पर क्वाड HD+ के डिस्प्ले को सपोर्ट करता है विद HDR10। ऑन दी अदर हैंड आपका जो हीलियो का P95 यहाँ पर सपोर्ट करता है फुल HD+ के एक डिस्प्ले को विदाउट HDR10। तो ऑफ कोर्स डिस्प्ले के मामले में आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है आपको ज्यादा ऑफर कर रहा है। जब तक बात करते हैं मॉडेम्स की, तो आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है यहाँ पर सपोर्ट करता है X15 LTE मॉडेम को एंड यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग स्पीड मिल जाती है 800 Mbps की एंड अपलोडिंग स्पीड आपको मिल जाती है 150 Mbps की। ऑन दी अदर हैंड आपका जो हीलियो का P95 है यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड आता है उसमें 600 Mbps का एंड अपलोडिंग स्पीड आपको मिल जाती है 150 Mbps की। तो इस मामले में भी आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है वो बेटर है। थिंकिंग अबाउट द ब्लूटूथ, दोनों में ही आपको 5.0 वाला ब्लूटूथ मिल जाता है। तो आप कोई भी ब्लूटूथ के हेडसेट या फिर कोई भी ब्लूटूथ का स्पीकर यूज करो, आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। जब तक बात करते हैं यहाँ पर CPU की, आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है यहाँ पर CPU में आपको ऑफर करता है 64-bit वाला 8-core वाला एक CPU एंड यहाँ पर आपको 2 cores मिल जाता है हाई परफॉर्मेंस वाले, जो कि एक क्रायो 360 वाले कोर्स बेस्ड ऑन कॉर्टेक्स A75 एंड जो क्लॉक स्पीड आपको मिलती है वो आपको मिलती है 2.3 GHz की। ऑन दी अदर हैंड आपको जो 6 cores आपको मिल जाते हैं वो आपको मिल जाते हैं सेम क्रायो 360 वाले एंड ये भी बेस्ड है कॉर्टेक्स के A55 वाले कोर्स पे एंड जो क्लॉक स्पीड आपको मिलती है 1.7 GHz की। ऑन दी अदर हैंड अगर बात करते हैं यहाँ पर हीलियो P95 की, तो यहाँ पर आपको सेम 64-bit वाला 8-core वाला CPU देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको 2 cores मिल जाते हैं हाई परफॉर्मेंस के लिए, जो कि है कॉर्टेक्स के A75 वाले। जो क्लॉक स्पीड आपको मिलती है वो आपको मिलती है 2.2 GHz की एंड 6 cores आपको मिलते हैं एफिशिएंसी के लिए, वो बेस्ड है कॉर्टेक्स के A55 वाले कोर्स पे एंड जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.0 GHz की। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर CPU के मामले में आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है वो बेटर है, बिकॉज आपको थोड़ा ज्यादा क्लॉक स्पीड यहाँ पर देखने को मिल जाता है एंड पावर एफिशिएंट भी ज्यादा आपका स्नैपड्रैगन 712 होगा, बिकॉज यहाँ पर जो लोअर वाले जो कोर्स है उसकी जो स्पीड है वो है 1.7 GHz। तो आपका जो फोन है वो नॉर्मल टाइम पे 1.7 GHz पे जो है रन करेगा, जिसकी वजह से पावर आपकी बचेगी। जब तक बात करते हैं यहाँ पर GPU की, तो GPU के मामले में आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है वो आपको ऑफर करता है Adreno 616 वाला GPU। ऑन दी अदर हैंड आपका जो हीलियो का P95 है आपको ऑफर करता है IMG Power VR GM9446, विच इज 10% फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन ऑफ MediaTek P95, विच वॉज MediaTek P95
P90। अगर आपने कंपैरिजन नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में कंपैरिजन मिल जाएगा MediaTek P90 का MediaTek के हीलियो P95 से। तो ऑफकोर्स जीपीयू के मामले में आपका जो स्नैपड्रैगन 712 है बेटर यहाँ पर काम करता है, आपको रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा आपके स्नैपड्रैगन 712 में एज कम्पेयर टू हीलियो P95। अब अगर बात करते हैं एंड्रॉइड की, तो यहाँ मैं आपको पहली चीज बता दूं कि हीलियो का जो P95 है यहाँ पर एकदम लेटेस्ट चिपसेट है, इसका अभी तक N22N Geekbench कोर्स मेरे हाथ में नहीं आया है। अगर आपके पास N22N Geekbench को दोनों में से कोई एक भी है या फिर दोनों भी है तो उनसे जरूर से कमेंट कर दीजिए, मैं उसको जो है पिन डाउन कर दूंगा, जिसकी वजह से लोगों को एक परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि कौन सा ज्यादा बेटर है। बट इस वीडियो तक के लिए मैं जो कोर्स है अपने नॉलेज से कंक्लूड कर रहा हूँ, एंड ये कोर्स जो है MediaTek के ही हीलियो P90 पे बेस्ड करके मैंने इसको कंक्लूड किया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर शुरू करते हैं एंड जान लेते हैं कौन सा बेटर हो सकता है N22N Geekbench के मामले में। तो N22 में आपका जो स्नैपड्रैगन 712 स्कोर कर लेता है 181,000 तक, एंड आपका जो MediaTek का हीलियो P95 है मेरे ख्याल से स्कोर कर लेगा लगभग 170,000 तक। तो यहाँ पर ये जो स्कोर्स है टोटली बेस्ड है हीलियो की P90 के ऊपर, तो देख लेते हैं कि असलियत में कितना स्कोर करता है। तो अगर जैसे ये अपडेट आएगा मैं नीचे पिन डाउन कर दूंगा, तो अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में चेकआउट कर लीजिए। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर Geekbench कोर्स की, तो आपको जो स्नैपड्रैगन 712 है यहाँ पर स्कोर कर लेता है सिंगल कोर में 1910 एंड मल्टी कोर में स्कोर कर लेता है 6060। ऑन दी अदर हैंड आपका जो हीलियो का P95 है यहाँ पर सिंगल कोर में स्कोर कर सकता है 1900 के आसपास एंड मल्टी कोर में मेरे ख्याल से ये स्कोर करेगा 6000 के आसपास। तो यहाँ पर ये मेरे ओपिनियंस है, ऑफकोर्स अगर ये स्कोर करता भी है तो एकदम ही इक्वल निकल के आ जाएगा आपके स्नैपड्रैगन 712 के। देखते हैं कि क्या होता है असलियत में, मुझे तो नहीं लगता कि स्नैपड्रैगन 712 के ऊपर जाएगा, हो सकता है उसके लेवल में स्कोर कर ले या तो उससे कम ही स्कोर करेगा बट उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो इस मामले में आप क्लियर रहिए कि कौन सा ज्यादा बेटर है, आपको स्नैपड्रैगन 712 बेटर है, बस स्कोर हमारे पास नहीं है। अगर बात करते हैं यहाँ पर हीटिंग की, तो ऑफकोर्स यहाँ पर हीटिंग हमको पता है कि स्नैपड्रैगन 712 हीट कर जाता है गेमिंग में 40 मिनट्स की गेमिंग में 41 डिग्रीज तक। और अगर हम देखें हिस्ट्री तो यहाँ पर आपका जो हीलियो का P90 था वो 40 मिनट्स की गेमिंग में 37 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता था। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कंक्लूड कि आपका जो हीलियो का P95 होगा वो लगभग 40 से लेके 39 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर सकता है। टेम्परेचर के मामले में दोनों ही इक्वल निकल के आ जाते हैं मेरे ख्याल में, अभी तक कोई ये प्रूवन नहीं है कि कितना वो जो है हीट करेगा, ये बस मेरे अपने अंदाज से बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, अगर वीडियो पसंद लाइक कर सकते चैनल को, एंड ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। तो टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ।